इकलौते दामाद हैं आप इस घर के, अगले साल बहाने में नई मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, हमारे खानदान का कुछ स्टेटस भी है, लोग क्या कहेंगे कि दामाद इतनी पुरानी गाड़ी में आता है। अस्सलाम वालेकुम महात्मा, कैसी तबीयत है? जी अब पहले से बेहतर है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। अभी बॉस के साथ मीटिंग में ही था तो वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। जी यकीनन काम पेंडिंग होगा और मैं आ नहीं रहा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम काम की वजह से परेशान मत हो, काम तो बहुत इजीली मैनेज हो रहा है, बस तुम अपना ख्याल रखो। जी ख्याल रख रहा हूँ मैं अपना। शर्मिला भाभी और आंटी भी आई हुई हैं, वो मेरी तबीयत का पूछ रहे हैं। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। इस वक्त तुम मसरूफ हो गए, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा, कुछ कुछ पूछना था। नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बताइए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ कुछ खास नहीं, बस वही काम की ही ऑफिस की ही बात करनी थी। तुम फ्री हो जाओ फिर इत्मीनान से बात करेंगे। ओके खुदाफिज़। बेहतर होगा कि शान से ये बात पूछनी नहीं चाहिए जब वो बताना नहीं चाह रहा।